बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द लैंड ऑफ लज़्ज़त। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप जो कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं हम। डोनट्स हैं, ब्राउनीज़ हैं, केक टॉपिंग वगैरह है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ईजी है बनाना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छा बनता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल पर जाइए द लैंड ऑफ लज्जत, वहाँ जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल के बटन को ऐसे रखिए ताकि आप लोग मेरे चैनल की न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें और आप लोग मेरे चैनल से न्यू रेसिपीज सीख सकें। तो ऑलराइट जनाब, शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है चॉकलेट बार चाहिए, ठीक है जी, कुकिंग चॉकलेट जो होती वो, पानी चाहिए, आइसिंग शुगर चाहिए और कोको पाउडर चाहिए। क्वांटिटी मैंने सब लिख दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेनी है आइसिंग शुगर। एक पैन में हमने आइसिंग शुगर ऐड कर दी है। अब हमने इसके अंदर डालना है कोको पाउडर। कोको पाउडर चला गया इसके अंदर। अब कोको पाउडर डालने के बाद हमने इसमें करना है पानी ऐड। अभी से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से करना है इसको मिक्स और लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। इसको मैं देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ये देखिए जनाब, अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया हल्की आँच पे बिल्कुल और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बार बार। कंटिन्यूसली हमें इसके अंदर स्पून चलाना है ताकि ये नीचे लगे नहीं और इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने, ठीक है जी। अब ये मैंने इसके अंदर चॉकलेट का जो बार है, कुकिंग चॉकलेट का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये मेल्ट होगा, अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है। जब हम इसको मिक्स करते रहेंगे तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा जल्दी से। अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। चॉकलेट बार जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अच्छी तरह मैंने मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होके अच्छे से कुक हो जाए, ठीक है जी। अब ये रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको निकालना है, ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। इसकी थिकनेस देखें आप, बहुत परफेक्ट बनता है ये और बहुत ईजी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाता है ये, और डोनट्स वगैरह पे और चॉकलेट ब्राउनीज़ वगैरह जो बनती हैं उसमें सब में ये आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।